हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशालता। आज हम फेनुग्रीक क्रीम बना के आप लोगों को दिखाएंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव एक क्रीम है। चलिए एक क्रीम बनाने का तरीका देख लेते। मेथी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो एक्ने और पिंपल्स को होने नहीं देता है। मेथी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होते हैं, जो स्किन को यंग और फ्लॉलेस रख देता है। तो हम यहाँ पर 2 टीस्पून मेथी दाना लिया, ये अच्छे से पाउडर बना लेंगे मिक्सी में। ये डेड सेल को हटा देता है। ये स्किन के लिए एक टोनर का भी काम करता है। तो हम 2 टीस्पून मेथी दाना को देखिए पाउडर बना लिया, और फिर इसके साथ 1 कप वाटर मिला के हम बॉयल कर लेंगे। मेथी दाना को मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट बॉयल करेंगे, और हम 1/2 टीस्पून कस्तूरी हल्दी ऐड करेंगे। कस्तूरी हल्दी फेशियल हेयर के ग्रोथ को कम कर देता है। मेथी और हल्दी को हम बॉयल कर लिया, अभी छान लेंगे। मेथी में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के में रिच होता है, जो पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल स्किन से रिमूव कर देता है। तो हम यहीं पर छान लिया मेथी हल्दी, और हम यहीं पर 1 टीस्पून एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा ड्राई और क्रैक स्किन को हील करता है। इसके विटामिन ई एंड विटामिन सी डेड सेल को रिमूव करता है, और स्किन को मॉइस्चराइज और एक नेचुरल शाइन देता है। और हम यहीं पर 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। स्किन लाइटनिंग के लिए हल्दी बहुत अच्छा होता है। तो और ये स्ट्रेस मार्क को धीरे धीरे कम कर देता है। और हम यहीं पर आमंड ऑयल ऐड करेंगे। ये विटामिन ई में रिच होता है, जो कि स्किन के कॉम्प्लेक्शन को अंदर से निखरता है। तो हम यहीं पर 1/2 टीस्पून आमंड ऑयल मिलाएंगे। तीनों चीज़ को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद जो मेरा मेथी का जो वाटर, मेथी वाटर और जो हल्दी वाटर, वो ठंडा हो गया। अभी हम 1 टेबल स्पून इसके साथ मिलाएंगे। हो गया रेडी मेरा फेनुग्रीक क्रीम। तो ये देखिए, ये रात में फेस वॉश करने के बाद आप फेस में धीरे धीरे थोड़ा क्रीम लेके मसाज कीजिए, और 1 सप्ताह बाद आप इसका रिजल्ट आपका मिल जाएगा। इतना निखर जाएगा आपका स्किन, खुद ही देख लीजिएगा। तो ज़रूर बनाइएगा ये क्रीम। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।